कमर तोड़ महंगाई में भी सैर सपाटे का मन है तो बैग पैक करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि महंगाई के दौर में भी आप सस्ते में घूमने की हसरत पूरी कर सकते हैं। इसके लिए आप ऐसी जगह चुनिए जहां ऑफ सीजन है। इससे आप सस्ते हवाई किराए का फायदा तो उठाएंगे ही, साथ ही होटल का किराया भी किफायती रहेगा। दिल्ली के रहने वाले कपिल नागपाल ट्रैवल एजेंसी के चक्कर लगा रहे हैं, मकसद महंगाई के बावजूद सस्ते पैकेज की तलाश। रेकी करने से कपिल को फायदा हुआ है, उन्हें ऑफ सीजन के सस्ते पैकेज हाथ लग गए हैं। इंसान तो यही देखेगा ना, जहाँ कम बजट होगा इंसान वहीं जाने की कोशिश करेगा। अब हमें ऑफ सीजन में इतना अच्छा पैकेज मिल रहा है तो मैं उसी में जाना प्रेफर करूँगा। कपिल जैसे हजारों लोग विदेश में सैर सपाटे की योजना तो बना रहे हैं, लेकिन महंगाई की वजह से अपनी योजना को अमली जामा नहीं पहना पाते। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि ऑफ सीजन में सस्ते पैकेज के जरिए सैर करने की हसरत पूरी की जा सकती है। राजस्थान की रॉयल सफारी का मन है तो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और जैसलमेर में 7 रात 8 दिन बिताने का पैकेज ऑफ सीजन यानी अगस्त से सितंबर और जनवरी से मार्च के बीच 25,000 रुपए में मिल जाएगा, जबकि पीक सीजन में यही पैकेज 35,000 रुपए में मिलेगा। केरल में 5 रात 6 दिन का पैकेज अप्रैल से जुलाई के बीच यानी ऑफ सीजन में 25,000 रुपए में मिल जाएगा, जबकि यही पैकेज नवंबर से मार्च के बीच 40,000 रुपए में खरीद सकते हैं। अप्रैल से सितंबर के बीच ऑफ सीजन में गोवा का 3 रात 4 दिन का पैकेज 15,000 रुपए में, जबकि पीक सीजन में यही पैकेज 30,000 रुपए में मिलेगा। इन पैकेज में हवाई जहाज का किराया शामिल नहीं है। अगर आप ऑफ सीजन के टाइम ट्रैवल करेंगे तो आपको कम से कम 30% लोअर रेट के ऊपर तो आपको होटल मिल जाएंगे। एयर फेयर्स में भी 20-25% की कटौती होती है। सस्ते पैकेज न केवल घरेलू डेस्टिनेशन के लिए हासिल किए जा सकते हैं, बल्कि विदेशी डेस्टिनेशन के लिए भी ऑफ सीजन में सस्ते पैकेज उपलब्ध हैं। श्रीलंका के लिए ऑफ सीजन यानी अप्रैल से अगस्त के बीच पैकेज 23,000 रुपए का उपलब्ध है, जबकि पीक सीजन में इसी पैकेज के लिए कम से कम 32,000 रुपए खर्च करने होंगे। सिंगापुर का पैकेज ऑफ सीजन में 25,000, पीक सीजन में 32,000 और दुबई का ऑफ सीजन पैकेज 23,000 रुपए, जबकि अप्रैल से जुलाई के बीच पीक सीजन में ये पैकेज 34,000 रुपए में मिलेगा। इसी पैकेज के हिसाब से एयरलाइंस भी सस्ती टिकटों के विकल्प दे रही हैं। Airline business is real, so if our seat is empty, you know, immediately we lower the fares. This why we ask more frequencies and more the capacities. इतना ही नहीं, अगर आप खर्चे में और ज्यादा कटौती चाहते हैं तो होटल की बजाय यूथ हॉस्टल या फिर अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के क्लब में भी रुक सकते हैं। अगर घूमने का मन है और महंगाई से डर लग रहा है तो आप ऐसी जगह का चुनाव करिए जहाँ पर आपको डिस्काउंट मिलेगा और आने जाने का खर्चा भी कम रहेगा। कुल मिलाकर ऑफ सीजन में पैकेज लेकर आप औसतन 12,000 रुपए की बचत कर सकते हैं। अक्षय सिंह, जी बिजनेस, दिल्ली।